देखने के लिए। तो आपको मैं एक घर में लेके चलती हूँ। घर में? हाँ। देखिए आपको मैं जानती नहीं हूँ, आप कौन हैं? मेरा नाम है कानी ठगनी। अच्छा, हाँ। मतलब जो बाहर से कोई मुसाफिर आता है, हाँ, उसे आप रहने के लिए रहने खाने की व्यवस्था देते हैं? हाँ, व्यवस्था। अच्छा, करवा देती हूँ। तो बहन आपका एहसान होगा। हाँ, हम बड़े दुखी हैं। चलिए चलिए। लेकिन बहन, हाँ, आप आराम कीजिए थोड़ी देर के लिए। अच्छा, मेरे पति आने वाले ही हैं, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए मेरे पति आने वाले हैं, मैं जा रही हूँ। तू यहाँ भी बैठी रही, मैं जाती हूँ। ठीक है, सही आप। हे भगवान, मेरे पति आए नहीं। ए बेबे, ए जामुवती। ओहो कानी ठगड़ी। हाँ, आज तो काफी खुश नजर आ रही हो कानी। ए देखिए, क्या बात है? एक बाहर बहुत बढ़िया समाचार लेकर आई हूँ मैं। कहो कानी ठगड़ी, क्या समाचार है? एक लड़की खड़ी है बाहर। अच्छा, हाँ। और इतनी सुंदर है। हाँ, इतनी सुंदर है, मेरे से भी सुंदर है। कानी ठगड़ी, तू तो कहाँ सुंदर है? और अगर तू कहती है तो मैं जाकर देखती हूँ। अरे आँखी तो कौन है, और तो सब ठीक से यार। देखिए कानी ठगड़ी, हाँ, अगर तुम्हारी बात सच हुई जी, तो मैं इनाम दूंगी, पैसे दूंगी, आपको भी पूरा लूंगी। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम यहाँ बैठो। अद्धा नहीं लूंगी। बैठो। नहीं, पूरा ही ले आता क्यों ले? पूरा लूंगी, पहले ही बता दिया। ठीक है कानी, बैठो। अद्धा नहीं लूंगी। हाँ ठीक है कानी ठगनी, बैठो। सजनो, उस कानी ठगनी ने हेलो सजनो उस कानी ठगनी ने उस शहर के अंदर रहने वाली एक कोठे की मालिक जामवती नाम था उसका, जामवती से जाकर के बताया कि हमारे इस शहर के अंदर एक बहुत सुंदर औरत आई हुई है, और यदि वो औरत आपके इस कोठे पे आ जाए तो दिन दुनी और रात चौगुनी कमाई आपको होने लग जाएगी। किस प्रकार? वो जामवती अपना भेष बदलती है और उस भोली भाली लड़की वीरमती को बहका करके अपने कोठे पर लेकर के आती है। सुनिए क्या कुछ होता है। और एक खुशी और बता दूं, जितने भी यहां पर विराजमान श्रोता हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान जितने भी विराजमान हैं, सभी के लिए चाय आ रही है अपनी अपनी जगह पे। सबको बैठे बैठे चाय मिलेगी, किसी को उठने की जरूरत नहीं। चाय आ रही है आपके लिए, आराम से बैठिए, बच्चे बैठे। चलो देखते हैं अगर कानी ठगनी की बात सही है तो मैं भी देखती हूँ क्या होता है, और चलती हूँ, जाती हूँ मैं। ओ मन ही मन में सोचगी, देर जरा सी ना करी, उस वीरमती के धोरे पहुंचगी। और मैं मेरे मन में क्या बात सोच रही हूँ वो भी बताती हूँ। तेरे एक डोले में आप बैठगी, और एक डोले में आप बैठ ली, हो एक सजा लिया संग खाली। पति व्रता का सत अजमावण आप बेस माचाली, एक डोले में आप बैठ ली, एक सजा लिया संग खाली। पति व्रता का सत अजमावण आप बेस माचाली, एक डोले में आप बैठ ली, एक सजाया संग खाली। पति व्रता का सत अजमावण आप बेस माचाली। अपनी अपनी गला लाऊ बलो के, फिर रखूंगी घरा लखो के, अरे फिर रखूंगी घरा लखो के। ओ कप
लिए ना धोके, भाई कपड़े बदल लिए ना धोके, माथे पे बिंदी लाली, द्रौपदी व्रता का सत अजमावन आप वे समा चली, एक डोलिए में आप बैठ ली, एक सजा लिया संग खाली, पतिव्रता का सत अजमावन आप वे समा चली, यो कार्य करे बिन को न सरता, कुकर्म देख काल जा डरता, हर कुकर्म देख काल जा डरता, ओ देखूंगी वा किसी पतिव्रता, मैं देखूंगी कैसी पतिव्रता, ओ सत तोड़ने की शाली, और पतिव्रता का सत अजमावन आप वेशवा चली, एक डोले में आप बैठ ली, एक सजा लिया संग खाली, बोलो उन्हें आज माइक दिखाओ ने। और ये 100 रुपए दादरी ग्रुप की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद प्रदान करते हैं, 100 रुपए दादरी ग्रुप की तरफ से आशीर्वाद हम ही चाहते हैं। देखा रूप आनंदी छागी, ओ उसकी करण बटाई लगी, उसकी करण बटाई लगी, ओ बैठी हुर तड़ा पे पागी, हाँ बैठी हुर तड़ा पे पागी, ओ मिठी बोलरी झाली, अरे पतिव्रता का सत अजमावन आप वे समा चाली, एक डोले में आप बैठ ली, एक सजा लिया संग खाली, पतिव्रता का सत अजमावन आप वे समा चाली, ओ नरमी होती सदा सुख देवा, ओ सब ईश्वर पार करेंगे खेवा, सब ईश्वर पार करेंगे खेवा, ओ जाट मेर सिंह, मेर सिंह सतगुरु की सेवा, मग सिंह कर सतगुरु की सेवा, मन जोड़ राग नी गाली, ओ पतिव्रता का सत अजमावन आप वे सेवा चाली, वाह, नरमी होती सदा सुख देवा, ईश्वर पार करेंगे सब सेवा, मैर सिंह कर सतगुरु की सेवा, मन जोड़ रागनी गाली, और पतिव्रता का सत अजमावन आप बेसमा चाली। और ये कवि जाट महेंद्र सिंह कमेटी रानीला की तरफ से 100 रुपए और सम्मान करते हैं भाई नरेश का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी माता जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान रहो बेटी, आप मुझे नहीं जानती है जी, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से पहचानती हूँ। आप मेरे को पहचानती हो? बिल्कुल, मैं जगदेव पवार की बुआ हूँ। मेरे पति की बुआ? बिल्कुल, और जब से मैंने ये बात सुनी है, हाँ, कि मेरे बेटे को बिना खोट बिना खत्ता 12 साल का देशूटा मिला है, मैं बड़ी दुखी हो गई। बुआ जी मैं आपके पहाँ पड़ती हूँ। सीढ़ी हो सपूती हो फूट सुहागण हो। और बेटी हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है जी, अब मैं आ गई हूँ, आपको ज्यादा कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, सहायता करूंगी, सुनिए मेरी बात जरा। सुनाइए। एक मिनट। और इसी बीच ये श्रीमान चंद्रभानजी लमरदार साहब बिकाड़ा से 500 रुपए अपनी तरफ से सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, दिक्कड़ा से श्रीमान राजेंद्र स्वरूप श्री छोटू राम जी रानीला से, वो भी अपनी तरफ से 500 रुपए दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए बेटी मेरी बात जरा। हाँ, कहिए। सुनी तड़ा पे बैठी ओ रौनक आगी चेहरे पे जगते
कहावतें सुनी तड़ापे बैठी रौनक आ गई चेहरे पे। और बेटी जी, मेरे भाई ने ये अच्छा काम नहीं किया है। क्या बताऊं माता जी, ना तो यो दुख जागा ओ नहीं ओटा मेरे तोरे सुख दी जन कट जा ना तो यो दुख जागा ना ओटा। अरे किसी की पेश चालती को ना तो किसी की पेश चालती को ना सुनी बहुत रौनक आगी चेहरे पे पड़ी भट्टी से मेरे पे तड़ा पे बैठी रौनक आगी चेहरे पे। विवेक सोनी नवीन बेटी सुनिए मेरी बात। कहिए माता जी। जब तक बालक हुए ना मेरे मैं पीहर जाया करती हेरे दोनों भाभी भगवान मेरे ते मन चाहे नाया करती हेरे भाभी मेरी कम मेरी बथेरी मना हाथ काम सब ढाला की मौज पीहर में मन चाहे खाया वो करती हो। सब ढाला की मौज पीहर में मन चाया खाया करती। अरे कदे अजमा का देख लिए ए कदे अजमा के देख लिए खड़ी पाऊंगी एक मेरे पे। और जब ते सुनी तड़ा पे बैठी रौनक आगी चेहरे पे जगदेव कंवर की ओ भुआ सू दिखा पड़ी भतीजे। जब ते सुनी तड़ा पे बैठी परिग्राम दुबल धन से धर्मवीर जी जो 100 रुपए से और सम्मान करते हैं और 100 रुपए दादरी ग्रुप की तरफ से और सम्मान होते हैं, काफी सम्मान कर चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 200 रुपए फौजी कवि महर्षि कमेटी रानीला की तरफ से दोनों का 100-100 रुपए से सम्मान करते हैं। देखिए भाजी, लेकिन आप आती क्यों नहीं? अब बेटी मैं आन नहीं पाती हूँ। अच्छा। नंबर 3 की बात बताती हूँ मैं तुझे। घर कुड़े हे पिछला राखी नू आन ना पाती मैं हेरे चोखा हुआ थम मिल गए नहीं ओ दारा नगरी जाती मैं हेरे सब तरिया ते ओ सर जागी भाई ओ उदियादत की ओ
फिर सारी कहानी खोल के कदी के पाड़ दिखाऊं ओ छाती में, सारी कहानी खोल बता दी के पाड़ दिखाऊं छाती में। रानी चाले उठ मेरे डेरे पे, ओ जब ते सुनी दड़ा पे बैठी रौनक आदी ओ चेहरे पे, दड़ा पे बैठी रौनक आदी चेहरे पे। हो ला 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 फौजी महेंद्र सिंह कमेटी रानीला की तरफ से 100 रुपए से और सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और नंबर की बात सुनिए बेटी, कहिए सुनिए के कह दिया जाट ने, हे रजे बुड्ढा बरोने बस लेने देता ओ नई नई कथा बनाता मैं, हे रे नई उमंग नई ओ तर्ज में भर के ओ के बेरा के रागनिया की धूम मचाता मैं, रागनिया ने बुरी बतावे उनमें धूम मचाता मैं, ओ मेर सिंह ने करा के भरती इसे मेर सिंह ने करा के भरती काटा पिता ने देखिए बेटी जी बुआ जी, घबराने की कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ में चलिए। देखिए आज हमारा इस संसार में कोई नहीं था लेकिन आप मिल गई हैं। चलिए मेरे पति कहाँ हैं? ये फौजी महेंद्र सिंह कमेटी रानेला की तरफ से 100 रुपए और सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी साथ में चलो बेटी। हाँ तुम्हारे पति वो मेरे पति के साथ में बाजार घूमने के लिए गए हैं। ठीक है चलो। सजनों वो जामवती उस भोली भाड़ी लड़की वीरमती को बहला फुसला करके अपने कोठे पे ले जाती है। जब वीरमती ने उस जामवती के रहने सहने का ठिकाना देखा, देखते ही समझ गई कि मामला तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन भाई परमात्मा जो करेगा वही होगा, मेरे हाथ में है भी क्या, सबर करके बैठ जाती है। और बार बार में जामवती से पूछती कि मेरे पति कहाँ हैं, मेरे पति कहाँ हैं। जामवती हर बार उस लड़की को बहका देती है कि तेरा पति मेरे पति के साथ यानी तेरे फूफा के साथ बाजार में घूमने के लिए गया, कहीं काम की तलाश में गया है। इधर वो जगदेव कुमार शहर में जाकर के कमरा किराए पर ले लेता है और कमरे को निश्चित करके वापस आता है वीरमती को उस कमरे पर ले जाने के लिए। लेकिन जब वापस तड़ाव पर आकर के देखा वीरमती नहीं मिलती, घबरा जाता है, कहां गई, क्या हुआ, अकेली थी, उसके साथ कोई ऊंच नीच तो नहीं बन गई, क्या कुछ हो सकता है। घबरा जाता है और काफी देर तलाश करता है लेकिन वीरमती नहीं मिली। नहीं मिली तो फिर जगदेव पार को भी गुस्सा आ जाता है और विचार करता है कि पापन तेरे को ऐसा ही मेरे साथ में करना था तो फिर जिद करके मेरे साथ आई क्यों, क्या कुछ कहता है सुनिए। हाय ये रे लोगो वक्त पड़े पे वत धोखा द
थी वो जाति लुगाई आके तड़ा पे देखा बीर मदीना पाई जिंदगी नखवार करेगी पलम तो मन जान नहीं थी जिंदगी नखवार करेगी तन जैसे कर्म करे सर पापन वैसे ही दंड भरेगी तन जैसे कर्म करे से पापन वैसे ही दंड भरेगी अरे कीड़े पड़ के आया कीड़े पड़ के डाइनिया मर गई केसर सिंगती चाय रिया के तड़ाप देखा वीर मती ना पाई वक्त परे पे धोखा देगी आखिर जात लुगाई तड़ाप देखी वीर मती ना पाई श्रीमान दिलबाग जी चौधरी साहब ग्राम पपोसा से 100 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्राम मंडाणा से मैनेजर साहब श्रीमान नरेश कुमार जी वो भी अपनी तरफ से 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। और ये नन्ना मुन्ना बच्चा वंश वंश मोर हाय हाय 50 रुपए पहले और 20 रुपए और देता है बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 के अंदर सुनिए डिगर की इब कड़े टोले ओ बेरा ना कुर्सी कूट डिगर की इब कड़े टोले अरे कुत्ती पछे मत बीरा की बकल मंद नू बोले ओ कुत्ती पछे मत बीरा की अकल मंद नू बोले अरे सर की बंद की रगना होले सर की बंद की गना होले लगे करने ये भाई रया के तड़प देखा वीर मदीना पाई वक्त पड़े पर धोखा देगी आखिर दांत लगाई के तड़प देखा वीर मदीना पाई दुब्बड़ धन से श्रीमान धर्मवीर जी के भाई अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं। और ये दादरी ग्रुप की ओर से भी 100 रुपए सम्मान होते हैं। और ये नन्ना मुन्ना बच्चा वंश वो भी अपनी तरफ से 50 रुपए और सम्मान करता है। बहुत बढ़िया आदत गिर ली बेटा बढ़िया बचपन से बढ़िया है अच्छी बात बढ़िया सिखाना चाहिए बालक ने कि मैं नंबर 3 अरे मौसी ने घर ते कढ़वाया उस मौसी के कारण ये गांव शहर राज छोड़ करके मेरे को धक्के खाने पड़ रहे हैं वरना मेरा क्या काम था इसी का धक्के खाने का जला कोड करी से हर मौसी ने घर ते कढ़वाया गला कोड करी से घर ते कढ़वाया गला कोड
बर्थडे करी से और पिछले जन्म की थी आवरणी राखी न लाज मेरी से पिछले जन्म की थी आवरणी राखी न लाज शर्म से और तगे बाज धोखे की फरी से तगे बाज धोखे की फरी से सदिया ते जाते लुगाई रैया के तड़प दे क्या वीर मती न पाई परे पैदा का देगी आखिर जात लुगाई आके तड़प भाई अशोक कुमार जी कश्यप अपनी तरफ से हेलो अच्छे अच्छा श्रीमान अशोक कुमार जी अच्छे से अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रास्ता नहीं है, कहां जाऊं क्या करूं कहां देखूं कुछ भी समझ में नहीं आता। बच्चे भैया कोई भी रास्ता ना दिखे बैठे गए घिर के हर कोई भी रास्ता ना दिखे बैठ गया घिर के हो किते भी रास्ता ना दिखे बैठ गया घिर के हर न्यूते में भी जान गया पंडा छूटे का मर के सिंह सबरस करके जात मेरे सिंह सबरस करके होलिया राही राही रैया के तड़प देखा वीर मती ना पाई। पूर्व सरपंच उस वीर मती को तलाश करता हुआ भटकता भटकता वापस शहर में चला जाता है। वो काणी ठगणी के कहने से जामवंती जो लड़की वीर मती को लेकर के आई थी उस वीरमती को अपने कोठे पर बैठा दिया और उसी शहर का रहने वाला एक दरोगा उस दरोगा के पास में जाती है वो जामवती और उस दरोगा से मोटी रकम लेकर के और उस दरोगा को उस वीरमती के कमरे में पेश करती है। क्या कुछ होता है सुनिए आपको बताते हैं रागनी के साथ। नमस्कार दरोगा साहब, खुश रहो आनंद करती रहो। बोलिए। देखिए दरोगा साहब, मैं आपके लिए बहुत तोहफा लाई हूँ। मेरे लिए? बिल्कुल। अच्छा, आप खुश हो जाएंगे। नहीं जामुंती, तेरी मेरी तो बहुत बचपन से मुलाकात है, बस मेरे को बहुत चाहती है और खूब मेरे को इनाम धनमाल देंगे। आप पैसे की क्या चिंता कर रही है तू? हाँ तो चलिए मेरे साथ में, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। आओ चलो। हेलो, क्या बात है? जामुंती, हाँ मेरी पति आई नहीं अभी तक। माल अच्छा होगा तो पैसे दूंगा तेरे को। आप देखिए एक बार जाके। अच्छा, बिल्कुल अंदर कमरे में है। चलिए कमरे में कवान साहब माल है, आप जाइए। कैसा तोहफा देखेंगे? देखो अंदर जाके। ओहो जी, कम जामुंती ने बताया बस भाई माल है तो कौन है तुम? आप कौन हैं और इस समय मेरे महल में क्या कर रहे हैं? मैं शहर का दरोगा हूँ। दरोगा? और क्या, मेरे पति कहाँ हैं जगदेव कुमार? तेरे पति का मेरे को क्या मालूम है, मैं तो पैसे दे करके आया हूँ जामुंती को। आप इन बातों को छोड़िए और मेरे से प्यार करिए। तेरा पति मैं हूँ। पापी नहीं, ऐसी बातें कर रही है। मेरे महल से दूर चला जा वरना मैं तुझे मार दूंगी। मैं पैसे दे करके आया हूँ, मैं तेरा पति हूँ और हंस कर मेरे से प्यार कर मोहब्बत कर। पापी नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि जो ये है
मेरे साथ में इतना गलत करेगी। नहीं, लेकिन मैं तुझे कहती हूँ, मैं पतिव्रता नारी हूँ, आप मेरे से दूर रहो। चिंता न कर, मैंने पतिव्रताओं का सब तोड़ा है। सुनिए मेरी बात पापी, तेरी तो क्या औकात है? जिसने भी नारी के साथ में गलत किया है उनका क्या असर हुआ है? क्या असर हुआ है? सुन ले, सुनिए मेरी बात, सुनिए क्या कहना चाहती है, सुनिए। हो तू देशा के बदमाश डिगर जा, न्यू बोली देशा के बदमाश कर जा। क्यों अकल राम ने मारी, और मत ना लावे हाथ मेरे, मैं सुपति वरता नारी। हर देश के बदमाश निकल जा, क्यों अकल राम मत ना लावे हाथ मेरे, मैं सुपति वरता नारी। अकल राम ने मारी, मत ना लावे हाथ मेरे, मैं सुपति वरता नारी। पतिव्रता का धर्म यही देखे हर समय पति ने, रावण श्री के मरे देख के वो अपनी कर्म गति ने। और एक दिन कीचक मरवाया था उस द्रोपद नारी सती ने, रे ओला सोला मत ना बोले कर ले ठीक मती ने। ओला सोला मत ना बोले कर ले ठीक मती ने, बुरे कर्म का दंड भोगेगा रे 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 रे, रे। बुरे कर्म का दंड भोगेगा, पड़े मुसीबत बारी में। अरे मत ना लावे हाथ मेरे, सुपति वरता नारी। देशा के बदमाश डिगर जग अकल राम ने मारी, ओ मत ना लावे हाथ मेरे, मैं सुपति वरता नारी। हमारी दादरी ग्रुप की तरफ से भी 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। और पापी नंबर 2 की बात सुन ले, पापी किसने औरत को छेड़ा है, आज उनका क्या असर हुआ है? पापी मत कह इस टाइम पे। सुनिए, गौतम की नारी अहिल्या थी जो चंद्रमा ने छेड़ी, फिर पाछे पछताना पड़ा जब गली पाप की बेड़ी। क्यों तेरे उल्टे हो दिन आगे, और हट जा खोवा खेड़ी। रोज़ जान बूझ के मर्ग चरे जब काल खड़ा हो लेडी। जान बूझ नहीं मर्ग चरे जब काल खड़ा हो लेडी। तेरे किसे न्यू टंग भोगे से रे रे किसे दंड भोगे से जो करते चोरी जारी। मत ना लावे हाथ मेरे, मैं सुपति वरता नारी। जैसा के बदमाश निकल जा अकल राम ने मारी, ओ मत ना लावे हाथ मेरे, मैं सुपति वरता नारी। बुद्ध से ग्राम छेद से हरपाल जी चौधरी साहब जो 100 रुपए से सम्मान करते हैं, और 100 रुपए से ग्राम अच्छेद से
राजेंद्र जी, हरेंद्र जी जो 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। सुनिए पापी, जो जान बूझ के पाप करे वो धरे बुराई सर पे, जो कह रहा वा बढ़ती को ना जब लाके चोट बदल पे, अरे जो कह रहा वा बढ़ती को ना जब लाके चोट जिगर पे, और तेरी मेरी बात का फैसला हो धर्मराज के घर पे, और ओले सोले कर्म करे जब गर्दिश आवे नर पे, ओले सोले कर्म करे जब गर्दिश आवे नर पे, ले जा जलाद पकड़ के, ले जाएंगे जलाद पकड़ के, चले ना हाथ फेरी मत ना लावे हाथ मेरे, मैं सुपति वरता नारी, ओ देशा के बदमाश डिगर जा मगर राम ने मारी, मत ना लावे हाथ मेरे, मैं सुपति वरता नारी, हमारे प्रधान जी ग्राम अच्छेद से पवन कुमार जी 100 रुपए से और सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए नंबर आखिरी बात, बड़े बड़े ऋषि महात्मा ना धरती पे ठहरे, और नारद मुक्ति खातर भजन करे थे गहरे, औरत के लाड आप हो जब इतने ले से लहरे, और सोच समझ के चलना चाहिए न्यू जाट मेहर सिंह कहरे, सोच समझ के चलना चाहिए न्यू जाट मेहर सिंह कहरे, कदे ना कदे तो धर्म राज के रे 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 रे, कदे ना कदे धर्म राज के तेरा होगा वारंट जारी, अरे मत ना लावे हाथ मेरे, मैं सोपति वरता नारी। और ये इसी रागनी पर फौजी मेहर सिंह कमेटी रानीला की तरफ से 100 रुपए से और सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे दुबल धन से ब्रह्मानंद जी कादियान साहब जो 100 रुपए से कान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, और तेरे को ये भी बताता हूँ मरने वाले मर के हो गए पर लेकिन इसके कोई जात नहीं होती। और ये बड़े भाई संदीप कुमार जो ग्राम अच्छेद से 100 रुपए से इसी रागनी पर सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर साहब। ध्यान कर रहे इस बात को, मैं आया हूँ इसके कोई जात नहीं होती। मैं तुझे ये कहती हूँ कि आप मेरे ही दरबार से चले जाओ, वरना सुने वरना मैं तुझे मार डालूंगी। दूर से बात करिए, आप जाइए यहाँ से, चलिए यहाँ से, दूर से बात करिए, सजनों जब दरोगा नहीं मानना उस पतिव्रता लड़की ने, क्योंकि पहले हमारे देश के अंदर जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली माताएं हुआ करती, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने धर्म बचाने के लिए हमेशा अपने बगल में कटार रखा करती। उस वीरमती ने भी झट अपनी कटार निकाली और दरोगा का सर धड़ से अलग कर दिया, और जब वो खून की धार बहती बहती बाहर आई, जामवंती घबरा जाती है और जामवंती ऊपर करके उस दरोगा की लाश को उठा करके गलियारे में गिरा देती है। सजनों संयोग से उसी दरोगा का पिता उस दरोगा की लाश देखता है, 5-7 गांव के गुंडे बदमाशों को लेकर के उस जामवंती के कमरे में जाता है, लेकिन सजनों वो जामवंती बाहर खड़ी रह जाती है, और जब उस वीरमती के कमरे में वो 5-7 लोग घुसे, उस वीरमती ने चंडी का रूप बना रखा था, विकराल रूप बना रखा था, जैसे उस राक्षस को मारने के लिए मां कालका ने बनाया था, वो चंडी का रूप धारण किए हुए थी। अंदर जाते हैं, जो भी अंदर जाता उसका सर उड़ा देती, जो भी अंदर जाता उसका सर उड़ा देती, 9 लोगों को खत्म कर दिया।
पूरे शहर के अंदर रुका पड़ गया। राजा उसे पाटन नगरी के राजा के पास में खबर चली जाती है। राजा उस कमरे के पास में आता है, लेकिन वीरमती ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। राजा दरवाजा खटखटाता है, आवाज लगाता है, बेटी कौन है तू, बाहर आ, मैं तेरे से बात करना चाहता हूं, एक बार बाहर आ करके बता कि तूने ऐसा किया क्यों। लेकिन नहीं मानती है। सारा शहर इकट्ठा हो गया। सदनों संयोग से घूमता घूमता काम की तलाश में फिरता फिरता वो जगदेव भी उसी जगह आ जाता है। और जगदेव ने जब वो भीड़ को देखा, लोगों को इकट्ठा देखा, विचार करता है मामला क्या हो सकता है। अंदर जाता है और जाकर के भीड़ में पूछता है मामला क्या है। लोग बाग बताते हैं कि इस कमरे के अंदर एक औरत बंद है। उस औरत ने पहले हमारे शहर के दरोगा को खत्म कर दिया और फिर 8 लोगों को और खत्म कर दिया, ने 9 लोगों के सर उड़ा दिए। पता नहीं कौन है, कहां की है, हमारे शहर में पहली बार आई है। जगदेव पवार भी जाकर के दरवाजा खटखटाता है, आवाज लगाता है, लेकिन वीरमती दरवाजा नहीं खोलती। सजनो आखिर जगदेव पवार को फिट पूरा विश्वास हो जाता है कि इस कमरे के अंदर और कोई नहीं, वो मेरी वीरमती ही है। जगदेव कंवर कमरे के पास में खड़ा होकर के उस वीरमती को आवाज लगाता है और दरवाजा खोलने के लिए विनती करता है। सुनिए क्या कुछ होता है, सुनिए। अरे काट काट सर ढेर लगा दिया, आए रे काट काट सर ढेर लगा दिया, कितना करया उजाड़ प्यारी, अरे चोकर देना पुलिस खड़ी से तू खोल दिए किवाड़ प्यारी, काट काट सर ढेर लगा दिया, कितना करया उजाड़ प्यारी, चोकर देने पुलिस खड़ी से खोल दिए किवाड़ प्यारी। तन मेरे तने या विपत्ति गैरती सर पे, अरे मैं भी मर लूंगा इसे फिकर पे, मैं भी मर लूंगा इसी फिकर में। वीरमती वीरमती यदि तू मेरी आवाज सुन रही है तो दरवाजा खोल करके बाहर आ और आकर के मुझे बता कि तूने ये सब क्यों किया। मैं मर लूंगा तेरे फिकर में, तने तो खाक घेर दी सर में, तने तो खाक घेर दी सर में, कितने जगह नहीं, अरे कितने जगह नहीं अंबर में, कितने जगह नहीं अंबर में, धरती लगी विदाई प्यारी, अरे कितने जगह नहीं अंबर में या धरती लगी दीवाड़ प्यारी, कितने जगह नहीं अंबर में वो धरती लगी विवाद प्यारी। अरे खोल दिए दरवाजा बाहर ने, मैं मारू खड़ा चिंगाड़ प्यारी, पुलिस खड़ी या पापण त्रसना चितने हड़े, और मैं खो दूंगा प्राण अड़े, ओ मैं खोलूंगा प्राण अड़े, तेरे दया धर्म का ख्याल करे, दया धर्म का ख्याल करे, चाल है दया धर्म का ख्याल करे, दरवाजा प्यारी, अरे खोल दिए देखे खोल दिए, अरे खोल दिए दरवाजा चातने पुलिस खड़ी से पार गोरी, कितना करे उजाड़ प्यारी, चोगर देने पुलिस खड़ी खोल दिए किवाड़ प्यारी, टुंडी पिटगी। वीरमती एक बार मेरी आवाज सुनकर के दरवाजा खोल और बाहर आकर के मेरे को
देख और मेरे को बता। आए रे डुंडी पिटकी जग सारे में, ओ मोहन ही मित्र प्यारे में, प्यारे में, और हमारे कैसे दुखियारे में, गलत पे मैं सोचे तू पलंग के उगाड़ प्यारी, गलत पे मैं सो करके तू र पलंग के उखाड़ गोरी, काट काट सर दे ओ कितना करा उजाड़ प्यारी, चोगर देने पुलिस खड़ी से खोल दिए किवाड़ प्यारी। एक बार दरवाजा खोल और बाहर आ बता। ये तो आवाज मेरे पति की है, अगर मेरे पति नहीं हुए तो इसको भी मार दूंगी मैं। कदे ना खोट दिल पे जानू था, कदे ना खोट दिल पे जवटा, बस सदा में दुख और रे छाटू था, सदा में दुख वो राप है काटू था। एक बात और, यदि तेरी समझ में आ गई हो, जरी समझ में आ गई हो, तो चारों तरफ तो पुलिस खड़ी है, बाहर राजा खड़ा है, सारी तरह से तेरे को घेर रखा है। यदि तेरे मन में भयम हो कि मैं बच जाऊंगी, तो किसी भी तरह से तेरे को बचने का उपाय नहीं है। देखती हूं आवाज तो मेरे पति की है, लेकिन अगर मेरे पति नहीं हुए, बाहर आइए, किसी की कहर नहीं है, खोलना चाहिए दरवाजा और चलना चाहिए। हेलो, फौजी मेहर सिंह कमेटी रानीला की ओर से 100 रुपए और सम्मान होते हैं महाराज, धन्यवाद। बेटी क्या बात है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, खुश रहो। क्या बात है, कहिए महाराज। ये ऐसा तूने क्यों किया है महाराज, मेरे कितने लोगों का तूने वध कर दिया महाराज, ये सब पापी थे इसलिए मैंने इनका वध कर दिया। अच्छा जी हाँ, इन्होंने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली। ठीक है महाराज, आपने अच्छा किया। वीरमती महाराज, महाराज क्या हुआ वीरमती, तू यहाँ कैसे? महाराज आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ कर? नहीं, मैं तो यही शहर में गया, पत्र को बोल के गया था कि मैं शहर के अंदर काम की तलाश में जा रहा हूँ, फिर तू यहाँ कैसे आई? महाराज हाँ, यहाँ पर एक पापन अध्यारण ने मुझे कहा कि मैं जगदेव कुमार की भुआ हूँ। मेरी भुआ? जी हाँ, और उसने आपके पिताजी का नाम बताया। मेरे पिताजी का नाम भी बताया? आपके शहर का नाम बताया? मेरे शहर का नाम बताया। तो महाराज मुझे यकीन हो गया कि ये मेरी भुआई है। कौन है वो पापण मेरे सामने लेकर गया? ये रही महाराज। अच्छा महाराज, इस पापण ने हमारे साथ में ऐसा किया। अच्छा, तो ये है वो हमारी बुआ जी। वाह बुआ जी, राम राम। देखिए आ दिखाइए, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। तो फिर दोष किसका है? उस काणी नटनी का है। काणी ठगनी का है? काणी ठगनी का। काणी ठगनी ने क्या करा? दामा की जरूरत तो तने से नाम काणी ठगनी का ला रही है। वो ही बता वो काणी ठगनी। काणी ठगनी का तो डिलीवरी हो रही है। हट, बुलाती हूँ काणी, बुलाइए उसे। काणी ठगनी, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ। ये सारी बात मेरे को बताई थी और मैंने तो इसके कहे अनुसार ही कार्य किया। इधर आइए। हाँ महाराज, मेरा नाम जगदेव कंवर है। अच्छा, धारा नगरी के राजा उदयदत्त का राजकुमार हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है महाराज, कारण तो मैं नहीं बता सकता, ना मेरे याद है ना मुझे समझ में है, लेकिन मेरे पिता ने मेरे को 12 साल का दिसोटा दिया था। मैंने अपनी महारानी इस वीरमती को जब हकीकत बताई तो इसने कहा कि मैं दिसोटे के अंदर आपके साथ चलूंगी, ये मेरा साथ देने के लिए यहां पर आई थी। महाराज आपके शहर के अंदर उस तालाब के ऊपर मैं इसको बैठा करके और आपके इस शहर में काम की तलाश में आया था। अच्छा। पीछे से इस काणी ठगनी ने, आपके शहर में ऐसे ऐसे पापी नए लोग रहते हैं, आप इनको सजा सुनाइए भी। बिल्कुल इनको सजा होगी, जिन्होंने तेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की, तो 9 को तो तुमने खुद ने खत्म कर दिया। जी हाँ, और इन 2 को मैं खत्म करवा देता हूँ इनको। ठीक है महाराज। सजनो, राजा उस कांड अग्नि और उस जामवंती के लिए
सजा सुनाता है, दोनों को जमीन के अंदर दबवा करके ऊपर दही लगा करके कुत्तों से फड़वा देता है। और उस राजा उदयदत्त महाराज के पास में समाचार देता है। राजा उदयदत्त चल करके उस पाटन नगरी के अंदर आते हैं और अपने बेटे जगदेव कुमार से सारी कहानी पूछते हैं। और राजा उस समय अपना पछतावा कबूल करते हैं, अपनी गलती कबूल करते हैं और उस जगदेव कुंवर का दिसोटा माफ करके उसे वापस ले जाते हैं। और इसी जगह पे जगदेव वीरमती का किस्सा ये सांग संपन्न होता है। कल ठीक 12 बजे आपसे फिर